वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ स्वीट कॉर्न पराठा। स्वीट कॉर्न बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 350 ग्राम मैंने स्वीट कॉर्न लिया है और उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। दरदरा पीसेंगे हम और पानी के बिना पीसेंगे। मैंने गेहूँ का आटा 2 कप लिया है, उसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ऐड किया है। अजवाइन मैंने हाथों से क्रश करके डाला है और थोड़ी सी कलौंजी डाली है। फाइनली चॉप्ड धनिया और मिर्ची 2 टीस्पून लिया है मैंने। एक छोटी प्याज को मैंने स्क्वायर में काटा है और उसमें ऐड किया है। अब हम मिक्सर में जो हमने पीसा था कॉर्न को उसे ऐड कर लेंगे। थोड़ा कोर्सली पीसेंगे, अगर आप चाहें तो बहुत फाइन भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा कोर्स पीसा हुआ अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा हार्ड डो तैयार करेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। डो हमारा रेडी है, इस पर ऑयल ग्रीस कर देंगे और किचन टॉवल से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब चलिए रोटियां बनाना शुरू करते हैं। पेड़े आप अपने हिसाब से काट लें, जितनी बड़ी पराठे आपको चाहिए। नॉर्मल जैसे हम रोटियां बेलते हैं वैसे बेल लेंगे इसे। थोड़ा बीच में आटा, खुश्क आटा लगाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है। बहुत आसानी से बेल जाता है। अब हम इसे सेक लेंगे तवे पर। दोनों साइड से ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे हम। जब ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो हम इसे घी अप्लाई करेंगे। घी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। देखिए पराठे हमारे रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसे हम ग्रीन चटनी के साथ और ऑमलेट के साथ सर्व करें। रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।